हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई एम मिसेस रीना दलाल एंड वी आर डूइंग आवर चैप्टर वन ऑफ ज्योग्राफी। द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज इंडिया लोकेशन। इन प्रीवियस लेक्चर आई टोल्ड यू अबाउट सम फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया एंड इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस लोकेशन ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस लोकेशन ऑफ इंडिया। लोकेशन ऑफ इंडिया, ये इंडिया का मैप देखिए। अगर हम एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर इंडिया की लोकेशन की बात करें तो कहाँ पर है इंडिया, जैसे कि यहाँ पर क्या है, एशिया कॉन्टिनेंट फैला हुआ है, यहाँ पर भी है, यहाँ ऊपर भी है। तो ये जो एशिया कॉन्टिनेंट है, इसका जो नीचे का हिस्सा है, जो साउथर्न पार्ट है, वहाँ पर क्या है, इंडिया। और जैसे इधर भी है एशिया और यहाँ पर भी है, तो बीच में सेंट्रल पार्ट, साउथ सेंट्रल पार्ट, व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ इंडिया इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। वी कैन से दैट साउथ सेंट्रल पार्ट, साउथ सेंट्रल पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। ओके, अब ये मैप देखिए, ये एशिया कॉन्टिनेंट का मैप दिखाया गया है वाइट कलर से। इसके अंदर इंडिया देखिए कहाँ पर है। ओके, इंडिया कहाँ है, जो साउथर्न वाला नीचे पार्ट है। ओके, साउथर्न पार्ट में, और ऊपर से क्या है, ये नीचे का सेंट्रल पार्ट है। ओके, सो इट इज़ द लोकेशन ऑफ इंडिया। कहाँ बताया मैंने, इंडिया इज़ द साउथ सेंट्रल पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। ओके, इफ वी टॉक अबाउट द आर्म्स, वी टॉक अबाउट द आर्म्स और वी कैन से पार्ट्स और वी कैन से यूनियन टेरिटरीज ऑल्सो, देन देयर आर टू आर्म्स और टू पार्ट्स ऑफ इंडिया। और वो कौन कौन से हैं, फर्स्ट इज लक्षद्वीप, लक्षद्वीप इट इज ऑल्सो अ यूनियन टेरिटरी। और ये लक्षद्वीप कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए आप, ये कहाँ पर पड़ता है, कौन सी वाटर बॉडी है, अरेबियन सी। तो ये कहाँ पर है, लक्षद्वीप कहाँ पर है, अरेबियन सी के अंदर है। ओके, अब जो सेकंड जो आम या जो पार्ट है वो क्या है, अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार। मैप पे देखिए, यहाँ पर ये जो आइलैंड हमारा अंडमान एंड निकोबार, और ये कौन सी वाटर बॉडी है, कहाँ पर है, ये बे ऑफ बंगाल के अंदर, और ये क्या है, अरेबियन सी, अरेबियन सी। तो यहाँ पर अंडमान और जो निकोबार है कौन से वाटर बॉडी के अंदर है, बे ऑफ बंगाल के अंदर, और जो लक्षद्वीप है वो कहाँ पर है, अरेबियन सी के अंदर। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। नाउ वी विल टॉक अबाउट नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। नेबरिंग कंट्रीज, नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। अगर हम नेबरिंग कंट्रीज़ की बात करें, देन देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेबरिंग कंट्रीज। फर्स्ट वन इज लैंड नेबरिंग कंट्रीज एंड सेकेंड इज सी और वी कैन से आइलैंड, सी नेबरिंग कंट्रीज, सी नेबरिंग कंट्रीज। पहले हम लैंड नेबरिंग कंट्रीज की बात करेंगे। ओके, लैंड नेबरिंग कंट्रीज कौन से होती है, जिनकी लैंड हमारी कंट्री इंडिया के साथ टच करती है। ओके, और सी नेबरिंग कंट्रीज कौन सी होती है, जो किसी भी सी या ओशन के अंदर है, जो कि आइलैंड है जो, और हमारी वो नेबरिंग कंट्रीज है। तो पहले कौन सी देखेंगे, लैंड नेबरिंग कंट्रीज। अगर हम मैप के ऊपर बात करें तो जो लैंड नेबरिंग कंट्रीज हैं इंडिया के इस पार्ट में, यहाँ पर कौन सी नेबरिंग कंट्री है, पाकिस्तान, और इसकी लैंड बाउंड्री इंडिया से टच होती है। तो ये हमारी क्या है, एक नेबरिंग कंट्री है। इससे आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो बाउंड्री है वो कौन सी कंट्री की टच होती है, यहाँ अफगानिस्तान,
अफगानिस्तान की छोटी सी बाउंड्री इस हिस्से में जो है यहाँ पर क्या है इंडिया से टच करती है, लेकिन ये जो हिस्सा है ध्यान से देखिए यहाँ यहाँ तक का ये जो हिस्सा है ये क्या है, इस हिस्से के ऊपर कश्मीर का कंट्रोल है, ये क्या है POK पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और इस पर क्या है पाकिस्तान का अभी कंट्रोल है। इसलिए कुछ वर्ल्ड एजेंसीज ऐसी हैं जो इस पार्ट को इंडिया का हिस्सा नहीं मानती है, लेकिन हमारी कंट्री के अंदर हम क्या मानते हैं जम्मू एंड कश्मीर इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर कंट्री और हम इसको कंसीडर करते हैं। ओके, ये हमारी जो टोटल लैंड बाउंड्री है उसके अंदर भी हम इसको इंक्लूड करते हैं। ये POK है, आप नीचे पिक्चर के अंदर भी POK का जो एरिया है वो देख सकते हो। इसके बाद जैसे हम नेक्स्ट कंट्री की बात करें तो यहाँ कौन सी कंट्री आएगी, चाइना। ओके, ये हमारी क्या है, ये भी एक लैंड नेबरिंग कंट्री है। इसके बाद अगर यहाँ हम देखें ये कौन सी कंट्री है, नेपाल, ये भी हमारी क्या है एक लैंड नेबरिंग कंट्री है। और ये कौन सी कंट्री है, भूटान, ये भी क्या है हमारी एक लैंड नेबरिंग कंट्री है। इसके बाद ये कौन सी कंट्री है, यहाँ पर म्यांमार, ये भी हमारी लैंड नेबरिंग कंट्री है। और ये जो कंट्री है बांग्लादेश, ये भी हमारी क्या है लैंड नेबरिंग कंट्री है। अब जो लैंड नेबरिंग कंट्री है वो मैंने आपको कौन कौन सी बताई है, अभी फर्स्ट कौन सी बताई है, पाकिस्तान, सेकंड इसके बाद कौन सी बताई है, अफगानिस्तान, इससे नेक्स्ट है चाइना, इससे नेक्स्ट नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये सभी के सभी हमारी क्या हैं, ये लैंड नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द सी नेबरिंग कंट्रीज़। सी नेबरिंग कंट्री जैसा कि मैंने आपको बताया ये कहाँ पर है, किसी भी वाटर बॉडी के अंदर है, जो सी या फिर जो ओशन है उसके अंदर है ये। और हमारी जो नेबरिंग कंट्री है, जो सी नेबरिंग कंट्री है वो कौन सी है, वो दो है हमारी नेबरिंग कंट्री, श्रीलंका एंड मालदीव्स, श्रीलंका और मालदीव्स, ये यहाँ पर श्रीलंका है। और जैसे ये लक्षद्वीप है इसके नीचे यहाँ पर कुछ ऐसे ही आइलैंड्स हैं। ओके, और ये क्या है, ये मालदीव्स है, क्या है ये मालदीव्स, ये दोनों हमारी क्या है नेबरिंग कंट्री। ये कौन सी कंट्री है, श्रीलंका। अब जैसे कि मैंने कहा जो सी नेबरिंग कंट्रीज जो सी के अंदर है, अगर हम बात करें जैसे यहाँ हो गया इंडिया, अगर हम वर्ल्ड मैप पे देखें तो यहाँ पर क्या है अफ्रीका कॉन्टिनेंट भी, उसमें बहुत सारी कंट्रीज़ हैं बट वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर है। नेबरिंग में हम क्या बात करते हैं, जो हमारे आसपास की कंट्रीज़ है हम सिर्फ उनकी बात करते हैं। ओके, अब ये मैप देखिए आप, इसमें क्या है इंडिया की सभी नेबरिंग कंट्रीज़ दिखाई गई हैं, जो मैंने अभी आपको नेम्स बताए हैं वो सभी इसके अंदर गिवन है। ओके, आई थिंक नेबरिंग कंट्रीज आर क्लियर टू यू। नाउ वी विल टॉक अबाउट श्रीलंका। श्रीलंका वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कंट्री। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय टू थिंग्स। विच टू थिंग्स इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम, विच कंट्री सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय टू थिंग्स। फर्स्ट थिंग इज पाक स्टेट, फर्स्ट इज पाक स्टेट एंड द सेकेंड थिंग इज गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार। अब इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्या बताया, पाक स्टेट, सबसे पहले जो स्टेट है
स्टेट, आपको ये पता होना चाहिए कि स्टेट क्या होती है. वी कैन से दैट इट इज़ अ नेचुरली फॉर्म्ड नैरो वाटरवे. अ स्टेट इज अ नैरो वाटरवे दैट कनेक्ट्स टू लार्ज वाटर बॉडीज. लिसन वंस अगेन, अ स्टेट we can say that it is a narrow waterway that connects two large water bodies. okay, ab yahan map pe dekhiye, ye kya hai, Sri Lanka hai, ye hai India. ab yahan par ye ek large water body hai, aur kaun si hai, Bay of Bengal hai ye. ab yahan par ye kya hai, ek narrow वाटर चैनल है ये यहाँ पर. ओके, अगर हम ये यहाँ बात करें, ये पाक बे है, ये इधर है गल्फ ऑफ मन्नार. तो ये जो हिस्सा है, जैसे मान लो इंडिया का ये हिस्सा और जो श्रीलंका है इसका, जैसे कि ये हिस्सा, इधर क्या है, पाक बे है, इससे इधर क्या है, गल्फ ऑफ ये मन्नार है, और ये इधर क्या है, ये बे ऑफ बंगाल है. तो यहाँ पर ये जो नैरो, ये इन दोनों के बीच में, ओके, ये जो नैरो वाटर वे है, इट इज़ कॉल्ड स्ट्रेट. लिसन वंस अगेन, व्हाट इज़ अ स्ट्रेट. स्ट्रेट इज़ अ नैरो वाटर वे दैट कनेक्ट्स टू लार्ज वाटर बॉडीज. और वी कैन से दैट स्ट्रेट इज, इट इज़ अ नैरो वाटर चैनल lies between two landmasses. कैसे, जैसे कि एक landmass ये होगी, एक श्रीलंका, ये दोनों landmasses हैं, और इनके बीच में एक क्या है, channel of water जो यहाँ पर इनके बीच में lie करता है, it is strait. okay, अब जो इंडिया और श्रीलंका, इन दोनों को जो separate करते, जो strait जो यहाँ पर है, इस strait का नाम क्या है, park. park strait. क्या name बताया मैंने आपको, park strait. Now we will talk about the Gulf. Gulf क्या होती है, ध्यान से सुनना आपने. Gulf, it is a large water body surrounded by land but having narrow opening. क्या होती है, narrow opening. अब ये कैसे होती है, ये आपको दिखाते हैं. अभी इधर देखिए, यहाँ पर जैसे मैंने बताया आपको, ये Gulf of मन्नार है. ओके, इट इज़ सराउंडेड बाई लैंड, इट इज़ अ लार्ज वाटर बॉडी एंड सराउंडेड बाई लैंड, क्योंकि यहाँ पर भी लैंड है और यहाँ पर भी लैंड है. सो इट इज़ सराउंडेड बाई लैंड एंड इट हैज़ नैरो ओपनिंग. ये जो यहाँ का हिस्सा है, जो एंट्रेंस इसके अंदर होता है, ये जो ओपनिंग है इसकी, ये कैसी होती है, नैरो होती है. एक ऐसे ही बे होती है, जैसे कि ये बे ऑफ बंगाल है. बे क्या होती है, इट इज़ ऑल्सो अ लार्ज वाटर बॉडी, ओके, एंड सराउंडेड बाई लैंड but having broad opening, broad opening. ये कैसे होता है, देखो ये क्या है, बे ऑफ बंगाल है, इट इज़ सराउंडेड बाई लैंड. यहाँ पर इंडिया है, इधर ये बांग्लादेश है, फिर इंडिया का हिस्सा है, इधर क्या है, म्यांमार है, और इधर और बहुत सारी कंट्रीज़ हैं. मीन्स इट इज़ सराउंडेड बाय लैंड, बट इसका ये जो यहाँ से एंट्रेंस है, ये काफ़ी ब्रॉड है. अगर हम इस बे की और यहाँ पर इस गल्फ की कंपैरिजन करें, तो जो बे होती है, इसकी जो एंट्रेंस है वो कैसी है, ब्रॉड होती है, और इसकी जो यहाँ से जो एंट्रेंस है वो कैसा है, नैरो होता है. ये इनके बीच में डिफरेंस होता है. ओके, अब जैसे कि मैंने गल्फ बताई, ये क्या है, यहाँ पर कौन सी है, गल्फ ऑफ मन्नार. अब ध्यान से देखना आपने, इंडिया का जैसे ये हिस्सा है, यहाँ पर भी गल्फ है. ये जो हिस्सा आपको गुजरात का दिख रहा है, इसके अंदर तक ये यहाँ पर क्या है, ये एक वाटर बॉडी है. ये क्या है, सराउंडेड बाय लैंड है. ओके, इधर भी इसके लैंड है, इधर भी है, इधर भी सराउंडेड बाय लैंड, लेकिन इसका यहाँ से जो ये एंट्रेंस है, ऐसे ये कैसे है, नैरो है ये. ओके, नैरो एंट्रेंस है. इट इज़ गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ. ओके, अब यहाँ नीचे देखिए, ये वाला जो हिस्सा है, इधर भी इसके लैंड है, इधर भी लैंड है, और यहाँ से इसकी जो ये हिस्सा है, इसका जो एंट्रेंस है, ये भी कैसा है, नैरो है. इसलिए ये भी एक गल्फ है यहाँ पर इंडिया के अंदर. और ये कौन सी है, गल्फ ऑफ खंभात, गल्फ ऑफ खंभात. आई थिंक अभी आपको क्लियर है कि जो गल्फ है और जो बे है, इनमें क्या क्या डिफरेंसेस है. ओके, मैंने आपको क्या बताया, श्रीलंका इज़ सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय टू थिंग्स. विच टू थिंग्स, पाक स्टेट जो कि यहाँ पर है. स्टेट क्या होता है, एक नैरो वाटरवे होता है. ओके, और जो गल्फ है, गल्फ ऑफ मन्नार जो कि इधर है,
ये दोनों चीज़ें क्या हैं, श्रीलंका को इंडिया से सेपरेट करती है। अभी ये जो पाक स्टेट है या जो पाक बे है और साथ में जो गल्फ ऑफ मन्नार है, ये मैप पे देखिए, आप मैप पे देखिए ध्यान से, इसमें क्या लिखा है, पाक स्टेट जहाँ पर मैंने आपको बताया वहाँ पर आपको पाक स्टेट दिख रहा होगा, उसके इधर ये क्या है, एक वाटर बॉडी दिखाई गई है पाक बे, और इसके इधर क्या है, गल्फ ऑफ मन्नार। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। नाउ आई टोल्ड यू फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, क्या ये फिजिकल फीचर्स जो इंडिया के अंदर मिलती है, क्या ये एज अ हिंड्रेंस काम करती है इन मॉडर्न टाइम? ओके, हिंड्रेंस, हिंड्रेंस क्या होता है, ऑब्स्टेकल्स, बैरियर्स, बाधाएं या रुकावटें, क्या इतने सारे जो ये फिजिकल फीचर्स हमें जो इंडिया के अंदर देखने को मिलते हैं, क्या वो एज ए हिंड्रेंस काम करती है इन मॉडर्न टाइम? हम मॉडर्न टाइम की बात कर रहे हैं। ओके, पास्ट टाइम में इन्होंने एज अ हिंड्रेंस काम किया, बट हम बात करें अभी प्रेजेंट डे में, प्रेजेंट डे नो। वाई नो, इसके भी कुछ रीजन्स हैं, और रीजन्स क्या हैं, एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। प्रेजेंट डे में हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी एडवांस हो गई है, इस वजह से क्या है, हमने जो ये फिजिकल फीचर्स हैं जो एज अ हिंड्रेंस काम करते हैं, उनको हमने ओवरकम कर लिया है। ओके, एंड हाउ, हमने ये चीज़ें ओवरकम कैसे की, हाउ, इसके लिए जैसे कि जो सीज है, सीज या फिर जो ओशंस है, सीज या ओशंस है, दे आर क्रॉस्ड विद द हेल्प ऑफ शिप्स। ओके, और जो लॉफ्टी माउंटेन्स है, लॉफ्टी माउंटेन्स, जो हाई माउंटेन्स है उनको कैसे क्रॉस करते हैं, दे कैन बी क्रॉस्ड विद द हेल्प ऑफ हेलीकॉप्टर्स। हेलीकॉप्टर्स मीन्स हम यहाँ पर एयरवेज की बात कर रहे हैं। ओके, और सिर्फ किस में आता है, वाटरवेज में। प्रेजेंट डे में हमारी टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो गई है, इसलिए हमने इन हिंड्रेंस को, इन ऑब्स्टेकल को ओवरकम कर लिया है। कैसे, वो मैंने आपको विद एग्जांपल बता दिया है, द लॉफ्टी माउंटेन्स कैन बी क्रॉस्ड विद द हेल्प ऑफ हेलीकॉप्टर्स एंड द सीज एंड ओशंस आर क्रॉस्ड विद द हेल्प ऑफ द शिप्स। हालांकि क्या है, इंडिया के अंदर जैसे फिजिकल फीचर्स है, यहाँ पर जैसे इंडियन ओशन लगता है, यहाँ पर अरेबियन सी है, यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार है, और यहाँ पर इतनी माउंटेन रेंजेज है, बहुत सारे फिजिकल फीचर्स हैं यहाँ पर, वो एज अ हिंड्रेंस भी काम करते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी वी हैव ओवरकम ऑल दीज डिफिकल्टीज। ओके, आफ्टर दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर। थैंक यू।